गोवा में 100% लोगों को कोरोना का पहला टीका लगाया जा चुका है। राज्य की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वहां के स्वास्थ्य कर्मियों और टीकाकरण के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने शुक्रवार को उनके जन्मदिन का एक खास किस्सा सुनाया और बताया कि उन्होंने किससे फोन पर बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस संवाद में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी उपस्थित रहे। प्रमोद सावंत ने कहा, हमने कोविड वैक्सीन की पहली डोज को 100% पूरा कर दिया है। आपसे और केंद्र सरकार से सहयोग मिला, इसलिए हम ये काम कर पाए। हमने लगभग 42% कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगा दी है। हमने वैक्सीन की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं की। पीएम मोदी ने एक समाज सेवा करने वाले व्यक्ति के साथ बातचीत के दौरान कहा, देश को अगर अपने संकल्प सिद्ध करते हैं तो हमारी कोशिशों में सबके प्रयास भी बहुत जरूरी हैं। गोवा के कोरोना वॉरियर्स और डॉक्टर के प्रयास से लोगों ने वैक्सीनेशन में उपलब्धि हासिल की। पीएम मोदी ने उन्हें कहा कि आपकी तरह समाज सेवा करने वाले लाखों लोग हैं, उन सभी को बधाई देता हूँ। वैक्सीन स्टोर करने और वैक्सीन बर्बाद ना होने वाले बात पर मोदी ने किया सवाल। कोरोना के टीकों की कोल्ड चेन को लेकर पीएम मोदी द्वारा पूछे गए सवाल पर डॉक्टर ने बताया कि उन्हें वैक्सीन गोवा की राजधानी से मिलता है, जहां से कर्मचारी एक कोविड बॉक्स में बर्फ डालकर वैक्सीन के लिए जरूरी तापमान बनाए रखते हैं और उसे हमारे तक पहुंचाते हैं। इसे रखने के लिए सरकार की तरफ से स्पेशल रेफ्रिजरेटर मिलता है। इसके बाद वैक्सीन के बॉक्स के ओपन होने के बाद अगले 4 घंटे के अंदर उस बॉक्स की वैक्सीन लोगों को लगा देते हैं। ऐसे में वैक्सीन के तापमान को लेकर हमें कोई दिक्कत नहीं होती। पीएम ने गोवा के डॉक्टर से पूछा कि आपने वैक्सीन के नुकसान यानी कि जीरो वेस्टेज को कैसे रोका। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर्स ने बताया कि हमने इस पर ध्यान देने के बजाय कि वेस्टेज ना हो, हमने इस पर ध्यान दिया कि सभी को वैक्सीन लगे और कोई भी वापस बिना वैक्सीनेशन के ना जाए। इसी के साथ एक भी वैक्सीन का नुकसान ना हो, इसका भी ख्याल रखा। वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों के घर घर और उनके दफ्तर भी गए और वहां जाकर टीका लगाया। बुजुर्ग और अपाहिज लोगों के लिए गाड़ियों में सुविधा उपलब्ध कराई। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन का एक किस्सा बताते हुए कहा, मैंने अपने एक पुराने और वृद्ध जानकार व्यक्ति को फोन लगाया और कहा कि आज मेरा जन्मदिन है, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। इस पर उन्होंने पूछा कि कितने साल के हो गए हो। मैंने कहा कि अभी मेरा 30 साल बाकी है। इस पर वो हंस पड़े और कहा, तुम अभी भी सुधरे नहीं हो, बचपन में जैसे करते थे वैसा ही अब भी कर रहे हो। उन्होंने एक शशिकांत भगत नाम के वॉरियर से बात करते हुए कहा कि आप भी अपना जन्मदिन 75 वर्ष मत बताइए, बल्कि ये कहिए कि अभी 25 बाकी है।